दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैटरी रेंज कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में, जिनमें आप देख सकते हैं Realme X2 Pro, Redmi K20 Pro, हमने यहाँ पर Redmi Note 8 Pro और Realme XT को भी साथ में लिया है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो Redmi Note 8 Pro में हमें 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, बाकी तीनों ही फ़ोन 4000 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो आपको सभी फ़ोन्स में अलग अलग देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे उनके बारे में और आगे। अभी मैं इन सभी फ़ोन को कर देता हूँ ऑन, और दोस्तों यहाँ पर हम ब्राइटनेस लेवल को मीडियम सेटिंग से थोड़ा सा कम रख रहे हैं। इसके अलावा वाईफाई कनेक्टेड है सभी डिवाइसेस में, जो GPS है वो ऑन है। और अब आप देख सकते हैं इन सभी फ़ोन्स का बैटरी 99% पे आ चुका है Redmi Note 8 Pro, बाकी तीनों ही फ़ोन 100% पर हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन हमें कितना स्क्रीन टाइम दे पाता है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है अपस्टॉक्स। दोस्तों अपस्टॉक्स काफ़ी पॉपुलर ऐप है, जहाँ से आप ट्रेडिंग, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी ब्रोकर के। प्ले स्टोर पर इस ऐप की हाइएस्ट रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड करके इसका फायदा उठाया है। दोस्तों यहां पर आप साइन अप करने के बाद फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप नीचे दिए गए कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर देखने को मिलेगा, और अगर आप पहली ट्रेडिंग कर लेते हैं विद इन 7 डेज तो आपको 200 रुपए का और फ्लिपकार्ट वाउचर देखने को मिलेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर फ्री देखने को मिलती है, जिनकी कॉस्ट होती है लगभग 28,000 रुपए। तो इस एप्लीकेशन को आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और दोस्तों यहां पर आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में भी इसी एप्लीकेशन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टॉपवॉच को और देखते हैं कि कौन सा फोन हमें कितना स्क्रीन टाइम दे पाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो स्नैपड्रैगन का 855 चिपसेट हमको देखने को मिलता है Redmi K20 Pro में। Realme X2 Pro में इसी का अपग्रेड स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट दिया गया है। Realme XT में हमको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 710। और अगर हम बात करते हैं Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ पे दिया गया है MediaTek का Helio G90T चिपसेट। तो ये सारे ही फ़ोन अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। और बैटरी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 4500 mAh का बैटरी है Redmi Note 8 Pro में, बाकी सारे ही फ़ोन 4000 mAh की बैटरी के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 8 Pro ही इकलौता ऐसा फ़ोन है जहाँ पे आपको एक IPS पैनल देखने को मिलता है, बाकी तीनों ही फ़ोन हमें एक AMOLED पैनल के साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आप इन्जॉय कीजिए आप बैटरी रेंज कंपैरिजन को, और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और दोस्तों फ़ोन्स को यूज़ करते हुए 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर हमको देखने मिल रहा है Redmi K20 Pro है 37% पे, 38% पे है Realme X2 Pro, Redmi Note 8 Pro है 35% पे, 34% पे है Realme X3। मतलब आप कह सकते हैं इन सभी फ़ोन्स की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सारे ही फ़ोन्स लगभग बराबर की बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हैवी गेमिंग, जैसे कि अल्फाट 9 और पबजी, वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 1.5 घंटे का एक्सट्रीम अल्फाट 9 प्ले करने के बाद हमको यहाँ पे बैटरी सिचुएशन कुछ अलग देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, जो कि पावरफुल परफॉर्मेंस है, जैसे कि Redmi K20 Pro में, Realme X2 Pro में या फिर Redmi Note 8 Pro में, यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का भी क्या हाल है, जबकि Realme X3 में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इन सभी डिवाइसेस से। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं PUBG को प्ले, देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों 7 घंटे और 58 मिनट के बाद कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है Redmi K20 Pro। और उसके कुछ 2 मिनट बाद में ही Realme X2 Pro भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। मतलब यहाँ पर हमें दोनों ही फ़ोन्स की जो बैटरी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट आपको ऑलमोस्ट सेम बैटरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों 8 घंटे और 11 मिनट के बाद Redmi Note 8 Pro भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। और अगर हम बात कर रहे हैं Realme X3 की, तो यहाँ पर हमको टाइम देखने मिला है 8 घंटे और 18 मिनट का। तो दोस्तों ये था बैटरी ड्रेन कंपैरिजन इन सभी फ़ोन्स के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।